आप लोग तो सिर्फ 20 बंदे हो, जाओ पहले 1,24,980 बंदे और लेकर आओ। बॉलीवुड सिंघम अजय देवगन की इस साल बैक टू बैक कई सारी फिल्में आ रही हैं। कुछ फिल्मों की शूटिंग भी शुरू होने वाली है और उसमें सन ऑफ सरदार पार्ट 2 भी मौजूद है। सन ऑफ सरदार ये 2012 की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी ड्रामा मूवी थी और इसके लिए अजय ने यश राज वालों को लीगल नोटिस भी भेजा था उनसे क्लैश करने के लिए। खैर अभी वो पॉइंट नहीं है, पर सन ऑफ सरदार 2 को लाने वाले अजय चाहते हैं कि सलमान खान मूवी से जुड़े। अब सलमान ने सन ऑफ सरदार में अजय देवगन के दोस्त बनकर कैमियो किया था एक स्पेशल गाने पो पो में, याद है? उसमें अजय, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आए थे और अब अजय चाहते हैं कि सलमान इसमें सरदार जी के कैरेक्टर में नजर आए और ये अच्छा खासा रोल होगा। अब सरदार जी के रोल में हमने इससे पहले भाईजान को मूवी अंतिम में देखा था और अब सन ऑफ सरदार 2 में वो अगर सरदार जी बने तो फैंस बल्ले बल्ले शावा शावा ही करेंगे। तो देखते हैं कि सलमान इस बात के लिए मानते हैं या नहीं। वैसे गदर रूप से गदर मचाने वाले हमारे तारा सिंह यानी कि सनी देओल को विलन के तौर पर लेने का प्लान है। वैसे भी कुछ भी कहो, इस साल रिलीज़ होने वाली अजय की जितनी भी फिल्में हैं या जिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है जैसे कि सन ऑफ सरदार 2 के साथ साथ उनकी बाकी फिल्में, तो उन फिल्मों के विलन्स तगड़े और टैलेंटेड एक्टर्स ही हैं या वैसे ही नजर आ चुके हैं। जैसे इस साल रिलीज हुई अजय की पहली मूवी शैतान में आर माधवन नजर आए जिन्होंने शैतान में 4 चांद लगा दिए। उसके बाद सिंघम अगेन को तो छोड़ ही दो, उसमें अर्जुन कपूर नजर आने वाले हैं। पर इस साल के आखिर में आने वाली रेड 2 के विलन होंगे रितेश देशमुख यानी अगेन एक वो स्टाइल एक्टर विलन बनेगा। मतलब अजय जिन्हें विलन के तौर पर कास्ट कर रहे हैं वो मूवी का लेवल बढ़ाने वाले लोग हैं। अजय को भी पता है कि आजकल विलन पर सबकी नजरें होती हैं, विलन की कास्टिंग अगर सही होती है तो ऑडियंस मूवी को सर पर उठा लेती है। खैर बाप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो सन ऑफ सरदार 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।